हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट ट्रिक सीरीज के अंदर आज हम लोग ट्रिक नंबर 10 सीखेंगे। ट्रिक नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है और ये टेंजेंट से रिलेटेड टू द कर्व रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 4 एट पॉइंट 44 ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कह रहा है कि सम ऑफ इंटरसेप्ट बताइए इस पॉइंट पर। तो हमें ट्रिक मालूम है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो, इक्वेशन दे हो x की m, y की m, a का है, और जो इंटरसेप्ट OA और OB है, तो अगर उसके सम में कोई भी पावर, जैसे आपको दे देता O का क्यूब प्लस OB का क्यूब, या आपको दे देता कि सम ऑफ क्यूब ऑफ इंटरसेप्ट, तो यहाँ पावर क्या आ जाता, 3। तो रूल कहता है OA टू दी पावर n प्लस OB टू दी पावर n किसके बराबर होगा, a की पावर n के। ये ट्रिक्स हैं। अब इसके बेस्ट पर इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, रूट एक्स प्लस रूट वाई 4 है। तो आपने देखा कि 4 को आप क्या लिख सकते हैं इस फॉर्म में लाने के लिए, रूट 60। अब यहाँ इसकी पावर हाफ, इसकी पावर हाफ और 16 की, यानी a की वैल्यू क्या आ गई, 16। अब आपसे पूछा गया है ओनली सम ऑफ इंटरसेप्ट, आपसे पूछा जाता क्यूब ऑफ इंटरसेप्ट तो पावर 3 कर देते, कभी कभी आपको दे देगा फाइंड कीजिए OA OB इंटरसेप्ट है, OA की पावर, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके ऊपर, अभी ये क्वेश्चन देख लो OA 1 OB 1, तो ये क्या आ जाएगा, A की 1, ये तो आपने 16 निकाला, 16 का 1 आपका आंसर 16 आ गया, या 256 भी आप लिख सकते। इसी तरह से अगर हम दूसरा क्वेश्चन, अगर यहाँ यानी x की पावर 4 y का 4 है, तो a की वैल्यू a आ गई। अब आपसे पूछा जाए कि जो इंटरसेप्ट है, यानी कि इंटरसेप्ट के पावर्स का सम, कुछ भी पावर दिया हो, इंटरसेप्ट के पावर का सम जो हमने यहाँ ट्रिक बताया, यानी OA टू दी पावर n प्लस OB के, यानी इंटरसेप्ट के पावर दोनों का पावर सेम है, का अगर सम पूछा जाए तो क्या होगा, a टू दी पावर। इसी के बेस्ट पे इस क्वेश्चन को यहाँ पूछा कि सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन इंटरसेप्ट मेड बाय टेंजेंट टू दी कर्व दिस, तो सम ऑफ इंटरसेप्ट हो गया OA प्लस OB, यानी n की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो हमारा आंसर आ गया OA प्लस OB इक्वल टू a टू दी पावर 1, यानी 16। अगर 16 ऑप्शन में नहीं है तो 256। इसी का ये दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया था, यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल था, क्या था ये सेकेंड एग्जाम्पल, ये जो सेकेंड एग्जाम्पल था आपका, इसमें था x की 4, y की 4, a की 4, फाइंड करना है p टू दी पावर माइनस 4 बाई 3 प्लस q टू दी पावर माइनस 4 बाई 3, तो आपसे पूछा गया इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू सेम आ गया, p और q अगर इंटरसेप्ट है, यानी OA और ये OB है, जो इसका पावर होगा वो a की पावर होगी, ये तो आपका a है, a की पावर क्या होगी, माइनस 4 बाई 3, ये ऑप्शन में होगा, यही आपका राइट आंसर है। तो ये था बिल्कुल इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, इसके ऊपर में कई तरह से आपसे क्वेश्चन को कई एग्जाम्स में पूछा गया है। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो इसको लर्न करो और इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू सो मच।